दोस्तों ये है बजाज के पल्सर N160 का सबसे नया वाला मॉडल 2024 मॉडल बजाज पल्सर N160 है। और सबसे पहले आप यहाँ पर ग्राफिक्स ही देख सकते हैं, इस तरह से पूरे इसके जो ग्राफिक्स है वो चेंजेस हो चुके हैं। और क्या क्या इस गाड़ी में नया फीचर आया है, क्या इसकी ऑनरोड कीमत है और डाउन पेमेंट कितना आएगा, कम से कम सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो ये जो है कुछ इस तरह से लाइनिंग टाइप के इसके वर्ड लिखे गए हैं। ये देखिए आप इसके जो अक्षर हैं वो रेड और वाइट कलर में ये देखिए पूरा किया गया है। सबसे न्यू ग्राफिक्स है, यहाँ पर भी नया रहेगा। और उसके बाद सबसे पहले सामने देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको बढ़िया LED वाले ब्लिंकर्स मिल जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल RS 200 पल्सर वाला एकदम मस्त। सामने से आपको यहाँ पर DRL मिल जाएगा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग, यहाँ पर ग्लोसी फिनिशिंग रहेगा, नए ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं दोनों साइड पे गाड़ी पे। और सबसे खास बात USD4 का सस्पेंशन आपको इस गाड़ी मिलेगा। ये देखिए आप रिफ्लेक्टर यहाँ पर दिया गया है, 31mm का फोर्क रहेगा, एंडोरेंस वाले रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एलॉय आप देख सकते हैं बिल्कुल नए शेप में एलॉय मिल जाती है। टायर्स की अगर हम बात करें तो 180/17 का यहाँ पर मिल जाएगा और 280mm का फ्रंट पर डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS आपको मिल जाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेफ्टी सबसे तगड़ी रहेगी। यहाँ पर आपको रैपिंग कुछ इस तरह से मिल जाती है और व्हील्स जो है वो पूरी ब्लैक कलर की काफ़ी शानदार मिलने वाली है। यहाँ पर आपका मडगार्ड रहेगा, डुअल चैनल ABS रहेगा और डुअल टोन फिनिशिंग रहेगा, यहाँ पर ग्लोसी, यहाँ पर मैट और ग्राफिक्स भी आपको मिल जाता है इस तरह से। तो गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अभी साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैट फिनिशिंग कुछ इस तरह से देखिए, वाइजर काफ़ी शानदार यहाँ पर दिया गया है और ये आपका ग्लोसी फिनिशिंग पे रहेगा, तो ये चीज़ से भी काफ़ी अट्रैक्टिव और मस्त लुक दे रही गाड़ी। और उसके बाद अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे नया कंसोल इसके अंदर दिया गया है, यानी कि नेविगेशन भी बताएगा और ब्लूटूथ कॉल मिस कॉल कनेक्टिविटी के साथ घड़ी भी, गियर भी बताएगी गाड़ी, फ्यूल यहाँ पर, स्पीड, RPM सब ये गाड़ी बताएगी, ABS और यहाँ पर पूरा FI लाइट, न्यूट्रल इंडिकेटर सब आपको एक बताएगी। और उसके बाद इस गाड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर पासिंग का ये नई जो स्विच है वो कुछ इस तरह से ऐड कर दी गई है, ये देखिए वो भी 2-way पे इस तरह से। बाकी यहाँ पर मोड का बटन है, यहाँ पर इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पर लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम भी दिया, अगर जरूरत नहीं तो आप ऑफ कर दीजिए। इंजन के स्विच दी गई है, यहाँ पर आपका सेल्फ स्टार्टर है, बारंड भी आपको बढ़िया मिल जाती है, हैंड की सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। और क्लच भी काफ़ी अच्छा, स्लीपर असिस्ट क्लच दिया गया है, USB चार्जिंग पोर्ट भी है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। हैंडल बार काफ़ी नए शेप में नए लुक के साथ और 14 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी यानी 14 लीटर E20 फ्यूल पड़ेगा ब्लैक कलर का। और इस तरह से देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि आपका मेटल रहेगा, मजबूती एक नंबर का ग्राफिक्स, तो N160 की ब्रांडिंग इस तरह से ग्राफिक के साथ। लेग गार्ड भी काफ़ी मजबूत रहेगा और 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, इंजन गार्ड कुछ इस तरह से रहने वाला है। इंजन की बात करें तो 160cc का इंजन सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन आपको मिलेगा और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो माइलेज है वो 40-45 का देगी गाड़ी, 5 गियर की गाड़ी है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। पावर और माइलेज पिकअप सब आपको मिलने वाला है इंजन में, साउंड भी दमदार है भाई, दूसरी वीडियो में आप सुन सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। और हॉर्न भी आप देखते हैं, लेग गार्ड भी, यानी कि इस गाड़ी में स्पोर्टी लुक के साथ सेफ्टी भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। डुअल स्टैंड का ऑप्शन दिया गया है, बाकी यहाँ पर गियर लीवर कुछ इस तरह से मिलेगा, फोर्टेस देख सकते हैं। और साइड प्रोफाइल्स यहाँ पर आपका जो पैनल है वो आपको काफ़ी नए स्टाइलिश लुक के साथ मिलने वाला है। अब अगर सीट की बात करें तो स्प्लिट में सीट आपको मिल जाती है, पल्सर यहाँ पर लिखा मिलेगा, सीट काफ़ी मुलायम रहने वाली है और यहाँ पर आपको N160 की ब्रांडिंग रहने वाली है। स्प्लिट में आपको मिल जाता है ग्रे रेल, LED वाले टेल लैंप्स मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। और इसकी खासियत है कि ऊपर से ही आपको ये जलता हुआ दिखेगा इस तरह से, देखिए आप विजिबिलिटी। और साइड से देखेंगे तो ये देखिए इसमें आपको ग्लिटर ऑप्शन दिया गया है, देखिए आप किस तरह से कांच इसका दिया, और इस तरह देखेंगे तो X शेप में दिखेगा और इस साइड से देखेंगे तो इस शेप में, यानी कि काफ़ी बेहतरीन टेल लाइट दिया है कंपनी ने। साइड से देखेंगे तो ये देखें एकदम ज़बरदस्त दिखेगी यहाँ से कुछ इस शेप में, यहाँ पे चाबी लगा के आप सीट खोल सकते हैं और ये आपका डोर टोन फिनिशिंग के साथ वाइजर रहेगा। और यहाँ पर एल्युमिनियम पे आपका ये पूरा पीछे का फेंडर रहेगा, LED वाले ब्लिंकर्स, नंबर प्लेट लाइट, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा, पीछे का फेंडर भी काफ़ी बढ़िया काफ़ी बड़ा है। और स्विंग आर्म कुछ इस तरह से, सारी गार्ड भी दे सकते हैं, चेन कवर इस तरह से अंडर कवर के साथ है और 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंडर वेल एग्जॉस्ट दिया गया, यानी साइलेंसर अंदर रहेगा, 230mm का पीछे डिस्क ब्रेक, ABS के साथ स्विंग आर्म फेंडर, और इस साइड से भी आप इंजन देख सकते हैं, ये पूरा इस तरह से रहने वाला है। तो गाड़ी कैसी लगी आपको कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। और गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है वो है 1,70,900 रुपये ऑन रोड प्राइस UP सुल्तानपुर में।
तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउन पेमेंट है 20 से 30 हज़ार रुपया, डाउन पेमेंट भर के आप फाइनेंस पर ले सकते हैं।